Greetings students, welcome to Rajni Classes. Today we are going to continue our exercise 2.5. Okay, we have already completed question 1, 2 and 3 of unit polynomial exercise 2.5. Today we are going to start our question number 4. Okay, question number 4 is expand each of the following using suitable identity. आपको आइडेंटिटीज का यूज करके इसको एक्सपेंड करना है बेटा. आई हैव एक्सप्लेन ऑल द आइडेंटिटीज टू यू. तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है एंड स्क्वायर है, मतलब 3 टर्म्स है एंड उनका स्क्वायर है. तो फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ओके, जस्ट फॉलो द फॉर्मूला. एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 सॉरी इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 4z एंड एक्स 2 इंटू 4z इंटू x. Okay, now you have to just solve it. That is x square plus 2 2's are 4, 4y square plus 4 4's are 16, 16z square plus 2 2's are 4xy, 2 2's are 4, 4 2's are 4, 4's are 16yz plus 2 into 4, 8 ZX, and that is your answer. Okay, second part of this, your statement is 2x minus y plus z holds. Okay, with the same method, 2x whole square plus minus y whole square plus z whole square plus 2 into 2x into minus y plus 2 into minus y into z plus 2 into z or x z into 2x. Okay beta, now solve it. 2 2s are 4x square माइनस वाई का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 टू जा 4 एक्स वाई, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस साइन शुड बी देयर. तो 2 टू जा 4 एक्स वाई, अगेन 1 माइनस साइन है तो माइनस साइन शुड बी देयर एंड 2 वाई जेड एंड 2 टू जा 4 जेड इंटू एक्स. That is your, I think, clear to you. Now come to third part of this question. Now it's question number 4, part 3. Okay, beta. Same formula, minus 2x ka whole square plus 3y whole square plus 2z whole square plus 2 into minus 2x into 3y plus 2 into 3y and 2z plus 2 into 2z into minus 2x. Okay, clear? करिए सो 4x square minus का square plus and 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस. सबसे पहले तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस है, ये दोनों प्लस है तो एक ही माइनस है. जब तक माइनस पेयर में नहीं होता मल्टीप्लीकेशन के, तब तक वो 1 माइनस साइन अगर होगा तो बेटे माइनस में आएगा. 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 xy अगेन प्लस
3 to the 6 to the 12 yz plus यहाँ पे माइनस टू एक्स है तो माइनस आएगा तो 2 टू द 4 टू द 8 z x. ये हो गया आपका थर्ड पार्ट. ओके नाउ फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट है आपका 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर. अगेन द सेम वे 3a होल स्क्वायर प्लस 7b होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 7b था और ये माइनस c था माइनस 7 में. ओके बेटा देन 2 into 3a into minus 7b plus 2 into minus 7b into minus c plus 2 into minus c into 3a. Okay. 3a square मतलब 9a square minus 7b. माइनस माइनस प्लस 7 स्क्वायर 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया प्लस माइनस. अब देखो इन तीनों में वन ही माइनस है ना. माइनस 7 थ्री जा 21 21 टू जा 42 ए बी. अगेन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7 टू जा 14 B, C. And now A की माइनस है तो माइनस 3 टू जो 6 C A. That is your answer. Okay. Now next part. Yes बेटा fifth part. Same way इसमें भी होल स्केयर है. तो माइनस 2 X का होल स्केयर प्लस 5 Y का होल स्केयर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z. अगर हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते तो भी उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है. ओके प्लस 2 इंटू माइनस 3z और माइनस 2x. क्लियर. अब करिए मल्टीप्लाई. 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर. ये हो गया 4x स्क्वायर 25y स्क्वायर 9z स्क्वायर. देन माइनस साइन को दिया है माइनस में ये प्लस 5 टू जा 10 टू जा 20 x. अब यहां से फिर से ये माइनस में है तो माइनस 5 3 जा 15 15 2 जा 30 y z प्लस. अब ये देखो माइनस माइनस प्लस 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 अगेन प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 z x. दैट इज योर आंसर. ओके नाउ सिक्स्थ पार्ट. Pay your proper attention in sixth part. It is more important. Okay, yes, clear. Okay, start. क्योंकि ये fraction में है और आप बहुत बार से statement देख के ही fraction से या decimal से घबरा जाते हो तो घबराना नहीं है. Just same method को हमें follow करना है. Okay, 1/4 a whole square plus minus 1/2 b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ठीक है उसके बाद प्लस 2 इंटू 1/4 ए इंटू माइनस 1/2 बी. ओके प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 बी इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 ए. क्लियर. अब देखो फ्रैक्शन में है तो हम कट कर सकते हैं तो ये 2 और ये 2 कट गया ये 2 और ये 2 कट गया और ये 2 और ये
फोर टू पे कट कर, मतलब ये एक टर्म है तो हम सिर्फ टर्म्स के अंदर ही उसको कट कर सकते हैं बेटा। अब करेक्ट करो उसको, 1/16 ए स्क्वायर, ओके माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा तो 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, देन यहाँ पे क्या बच गया, ये 1/4 ही बचा ना, सिर्फ 1/4 ए बी, लेकिन देखो यहाँ माइनस साइन था तो ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस, क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस था ये प्लस था ये प्लस था, तो एक ही माइनस था टर्म में तो माइनस रहे, यहाँ फिर से यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो माइनस 2 से 2 कट गया और माइनस 1 इंटू बी इंटू 1 तो माइनस बी, ओके देन यहाँ पे प्लस 2 पे कट गया तो मतलब हमारे पास 1/2 बच गया और सिर्फ 3, दैट इज योर, हमने कुछ भी नहीं किया, ये फ्रैक्शन में था तो हमने फ्रैक्शन में ही सोल्व किया, जस्ट हमने जो कट हो रहा था उसको कट किया सोल्व किया, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं होता बेटा, मेथड आपके सेम होते हैं, ठीक है, सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, और वो अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी आती है तो आप कर सकते हैं, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज, हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था टू टर्म्स को फैक्टराइज, है ना, जब थ्री टर्म्स थी तो हमने स्क्वायर वाली टर्म्स को फैक्टराइज किया था जिसमें दो ही वेरिएबल थे एक्स वाई, यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल है, तो सबसे पहले आप देखिए एक्स वाई प्लस में है, वाई जेड माइनस में है और जेड एक्स वाई, इसका मतलब क्या हुआ, वाई और जेड में से एक टर्म माइनस की है और जेड और एक्स में से भी एक टर्म माइनस की है, लेकिन जेड माइनस का नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यस इट्स वेरी इजी, वी कैन टेक जेड एज माइनस, क्योंकि एक्स वाई हमारा प्लस में आ रहा है, वाई जेड माइनस में आ रहा है, मतलब जेड यहाँ पे भी जेड एक्स माइनस में आ रहा है, तो जेड जिन टर्म्स में जेड है वो नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा जेड जो है वो नेगेटिव है, ये वाली टर्म जो है हमारी नेगेटिव है, आप हमेशा इन्हीं से पता लगाएंगे, क्योंकि ये तो स्क्वायर की टर्म्स है, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो आपको इन तीनों से पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सी टर्म नेगेटिव है, क्लियर। अब स्टार्ट कीजिए, फोर किसका स्क्वायर, टू का, मतलब टू एक्स होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई होल स्क्वायर, 16 किसका, लेकिन मैंने अभी कहा कि 16 माइनस में है, तो ये क्या हो गया माइनस 4z का, ध्यान रखना बेटा जिन टर्म्स में नेगेटिव आ रहे हैं मतलब वो जो कॉमन टर्म है वो श्योर नेगेटिव है, तो भी हमारा आंसर नेगेटिव ना, अब करिए इसको, अब हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस, ओके देन अगेन प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x, ओके अब इनको देखिए यहाँ ये वैल्यूज आ रही है, देखो 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 करेक्ट, देन 4 3 जा 12, 12 टू जा 24 माइनस 24 करेक्ट, देन 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 करेक्ट, मतलब हमारे पास इन तीन टर्म्स का स्क्वायर है, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, है ना, यही तो फॉर्मूला था जिससे हम इससे प्रीवियस वाला फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ 2x प्लस 3y माइनस 4z और स्क्वायर है तो एक बार 2x प्लस 3y माइनस 4 दैट इज योर आंसर, ओके नेक्स्ट पार्ट आल्सो, नाउ बेटा सेकंड पार्ट, अब आप ध्यान से देखिए ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले तो आप नेगेटिव साइन देखिए, यहाँ पे एक्स वाई में है यहाँ पे एक्स जेड में, मतलब एक्स वाली टर्म नेगेटिव, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कोई स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमें 2 को ही स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा, तो 2 क्या होता है रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास माइनस रूट 2 एक्स स्क्वायर, ओके प्लस वाई स्क्वायर, अब 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2,
तो यहाँ से तो आपका 2 बन गया और इस 2 की जगह हम रूट 2 ले लेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में बेटे स्क्वायर चाहिए तो हमें बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, 2√2 जेड का स्क्वायर। ओके, अब पुट कीजिए, 2 × −√2x (y) प्लस 2 × y एज इट इज 2√2, सॉरी पहले y लिखेंगे, 2 × y × √2z, ओके, प्लस 2 × z क्या है, 2√2z (−√2x). अब इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 × √2 + 2 × √2 (2√2xy) आ गया, 2 × 4 √2 (4√2yz) आ गया, उसके बाद 2 × 2 = 4 और √2 √2 = 2, ठीक है? √2 × √2 = 2, तभी तो हमने √2 का स्क्वायर क्या लिखा, 2, ठीक है? तो 2 × 2 = 4 और √2 √2 = 2, तो 4 × 2 = 8 और −sin as it is, ठीक है? और हम इसको क्या लिखेंगे, −√2x + y + 2√2z (2). ओके, और अब इसको ओपन कर दीजिए, क्योंकि आपको फैक्टर्स में लिखना है −√2x + y + 2√2z (−√2x + y + 2√2z). That is your clear? Yes, बेटा, next question. Write the following cubes in expanded form. मैंने आपको क्यूब का भी फॉर्मूला बताया था, a + b whole cube = a³ + b³ + 3ab × a + b, हमें वही फॉर्मूला लगाना है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आप करिए 2x³ + 1³ + 3 × 2x × 1 × 2x + 1, ठीक है? a³ + b³ + 3ab × a + b, ओके बेटा, करिए 2x³ = 8x³। मैंने आपको क्यूब के सारे फॉर्मूले इसीलिए लिखवाए थे क्योंकि ये यहाँ पे यूज होते हैं बेटा। 1³, 1 की कितनी भी पावर हो 1 है, 3 × 2 = 6, 6x × 2x + 1 = 8x³ + 1 + 6 × 12 (x)² + 1 × 6x = 6x, that is your answer. Okay, now second part. अब यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, तो आपका फॉर्मूला हो गया x − y³ = x³ − y³ − 3xy × x − y, मतलब जहां जहां प्लस साइन है सिर्फ फॉर्मूले में वहां वहां माइनस साइन आ जाएगी। आप पुट कीजिए 2a³ + माइनस साइन है सब में तो −3b³ − 3 × 2a × 3b × 2a − 3। ओके, मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ जहां जहां प्लस थे वहां वहां माइनस साइन चेंज कर दिए। ओके, अब करिए सोल्व, 2 × 8a³ − 3 × 3 = 9 × 3 = 27, 27b³ − 3 × 3 = 9 × 18, ab × 2a − 3b = 8a³ − 27b³ − 18 × 2 = 36, a²
ओके नाउ अगेन 18 3 लेकिन यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये माइनस इस माइनस से चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई होके प्लस में ओके और 18 3 54 ए बी ए अकेला है बी दो हो गए तो 20 दैट इज योर आंसर ओके नाउ थर्ड पार्ट नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम फॉर्मूला प्लस वाला क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × 3/2x इंटू 1 एंड ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1 दैट इज योर फॉर्मूला नाउ नेक्स्ट वन इज 3 × 3 = 9 × 3 = 27 27/8 दोनों का क्यूब कर दिया मैंने न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी एंड एक्स क्यूब प्लस 1³ इज ऑलवेज 1 एंड यहाँ पे 3 × 3 = 9/2x इंटू 3/2x प्लस 1 ओके बेटा दैट इज 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 9 × 3 = 27 / 2 = 4 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 1 को 9/2x से करेंगे तो 9/2x दैट इज योर आंसर ओके नाउ फोर्थ पार्ट दैट इज एक्स माइनस 2/3y का होल क्यूब आई थिंक सेम मेथड से करेंगे सिर्फ नेगेटिव में है तो नेगेटिव वाला यूज करेंगे फॉर्मूला दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2/3y होल क्यूब माइनस 3 × x इंटू माइनस सॉरी इंटू 2/3y और इंटू एक्स माइनस 2/3y क्लियर अब करिए इसको सो एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 2³ 8 और 3³ ये हमें याद है आई थिंक और वाई क्यूब माइनस यहाँ 3 से 3 हो जाएगा ना बेटा क्योंकि एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में तो आपके पास बच गया माइनस 2x² इंटू एक्स माइनस 2/3 ओके नाउ एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² और y रेजिस्टेंस ओके अगेन यहां पे करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 × 2 = 4 3 एज इट इज 4/3 xy² दैट इज योर आंसर एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 6 नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 बेटा इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग टेबल आइडेंटिटीज आपको 99 का क्यूब फाइंड आउट करना है लेकिन 99 × 99 × 99 करके नहीं ओके आपको आइडेंटिटी यूज करनी है इसमें ठीक है आइडेंटिटी होल क्यूब है तो हमें पता है लेकिन ये 99 का होल क्यूब है हम इसको लिखेंगे 100 - 1 का हम लिख सकते हैं 99 को 100 - 1 और अब हमारे पास हमारी आइडेंटिटी रेडी है ओके तो क्या फॉर्मूला होगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 × 100 × 1 और 100 - 1 ओके इजी ना तो करिए स्टार्ट 100 का क्यूब मतलब 2 0s है तो क्यूब कर दिया तो 6 हो जाएंगी पेपर है ना माइनस 1 एज इट इज माइनस 3 × 100 × 1 इज 300 और 100 - 1 इज ओके दैट इज माइनस 1 माइनस 99 × 3 कितना होता है 99 × 3 9 3s are 27 और 9 3s are 27 और 2 29 मींस आपके पास आ गया 4 5 6 - 2 9 7 0 1 ओके सिंपल अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप दैट इज
10 minus 1, 9. 9 minus 0, again 9. 9 minus 7, 2. 9 minus 9, 0. 9 minus 2, 7. And then 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे 9 बच गया, तो 9. That is your answer. Okay, beta. Now, second part of question 7, that is 102 का क्यूब, इसको अगेन हम 100 प्लस 2 होल क्यूब लिख सकते हैं. ओके, दैट इज 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2. ओके, करिए 100 का क्यूब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 का क्यूब 8, 3 टू जा 6, 6 इंटू 100, 600 इंटू 100 प्लस 2. आप इसको डायरेक्टली 102 भी कर सकते हैं और आप इसको दोबारा से ब्रेक भी कर सकते हैं. ठीक है, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 8 प्लस 600 इंटू 100, 6, 1, 2, 3, 4, जीरोज ऐड हो जाती है, प्लस 600 इंटू 2, 1200. ओके, नाउ वी हैव टू ऐड ऑल दिस. करिए ऐड वंस प्लेस में, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 0, तो 8. टेंस प्लेस में 100 प्लेस पे यहाँ पे 2, तो 2. 1000 प्लेस पे यहाँ पे 1, तो 1. उसके बाद यहाँ पे 6, तो 6. ओके, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना, और 6 0 थी, तो 1 0 एग्जिट. ओके, एंड आप वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता, क्योंकि आप 102 को पहले 102 से करते हैं और उसके बाद आंसर को अगेन 102 से करते. ओके, थर्ड पार्ट इज 998. ओके, ये आपका थर्ड पार्ट है बेटा, 998. ओके, आप इसको क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 2 होल क्यूब. ठीक है, और आई थिंक आप इसको अब खुद कर सकते हैं, दैट इज योर होम. ओके, दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चंस अप टू 7. ओके, आई नो दिस इज अ लॉन्ग एक्सरसाइज एंड यू हैव 16 क्वेश्चन इन दैट, बट वी डिवाइड इट इनटू सब पार्ट. सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 2.5. पार्ट 2, वी आर गोइंग टू सब डिवाइड दिस एक्सरसाइज इनटू 4 और 5 पार्ट्स. ओके, तो पार्ट 1 एंड 2 इज कंप्लीट नाउ. सो रिवाइज योर वर्क वेरी वेल. Solve these questions yourself. Learn the identities properly. And at the last, please subscribe my channel and like my video. Thank you. Have a nice day.